जब जब तापसी पन्नू को मूवी में देखता हूँ तो सच में सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रो फेमिनिस्ट वाली सोच याद आ जाती है, वो अलग ही लेवल की है यार। खैर छोड़ो इस बात को, मूवी के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मसीन दिलरुबा मूवी ट्रेलर के बारे में, जो 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस मूवी के अंदर 3 मेन कास्ट है, विक्रांत मैसे, हर्षवर्धन राणे और फेमिनिस्ट यानी तापसी पन्नू। अब इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं, जितना इसके ट्रेलर को देख कर पता चलता है। एक औरत है जिसकी शादी होती है, वो अपनी शादी से खुश नहीं है क्योंकि उसको अपनी उम्मीद वाला राजकुमार नहीं मिलता, इसलिए वो किसी दूसरे मर्द के साथ गैर संबंध बनाने की कोशिश करती है और उसके साथ मिलकर जैसे इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि वो अपने पति को मार देती है। खैर मुझे नहीं पता मारती है या नहीं मारती, जब वो मूवी आएगी तभी पता चलेगा। कितनी यूनिक स्टोरी है ना, आज तक तो हमने वो वाली मूवी या फिर ऐसी कोई सोच या फिर ऐसी कोई कहानी हमने कभी सुनी नहीं ना ही देखी है। वैसे अगर ट्रेलर को ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं कोई ब्रेक डाउन करके या फिर अपनी प्रेडिक्शन यहां पर नहीं लगाना चाहता, क्योंकि यार क्या पता वो आने वाले टाइम में गलत निकल जाए। बस पता चल जाता है यार, ऐसी इंटेंशन है, देखते हैं कि मूवी में जो मैंने सोचा है वो ऐसी निकलती है या नहीं। ओके होनेस्टली बात करूं तो देखो यार, स्टोरी जो है जितना इस ट्रेलर को देखकर पता चल रहा है कि उसमें कोई यूनिकपन तो है नहीं यार, कोई नई तो है नहीं। हमने वैसी वाली बहुत सारी मूवीज या कहानियां देख रखी है, सुन रखी है, और जो तापसी पन्नू को इसके अंदर दिखाया गया है यार, वो कहीं पर भी ऐसा मैच नहीं कर रही थी, मिसमैच ऐसा लग रहा था इसमें ट्रेलर में देखकर। और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत अच्छा लगा वो है विक्रांत मैसे और हर्षवर्धन राणे। विक्रांत मैसे की एक्टिंग यार जबरदस्त रहती है और हर्षवर्धन राणे का जो इसके अंदर अपीयरेंस दिखाया गया बेमिसाल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये मूवी आती है तो शायद कुछ नयापन इसके अंदर देखने को मिल जाए, लेकिन अभी कोई उम्मीदें इसके साथ नहीं लगाते हैं क्योंकि यार जैसे जैसे उम्मीदें लगाते हैं वो उतनी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। तो इसे बिना एक्सपेक्टेशन के ही देखना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कैसी स्टोरी होने वाली है, तो प्लीज अपनी प्रेडिक्शन में कमेंट बॉक्स में लिख देना, थोड़े बहुत हाँ कमेंट आ जाएंगे उसके नाम पर। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।